तो आज डेवी का कुछ स्पेशल चल रहा है, देखेंगे डेवी क्या बना रही है। मस्टर्ड ऑयल डाला जा रहा है। हेलो। तो मैं आज एक चिकन बनाने जा रही हूँ, जो कोई भी बना सकता है। मतलब इतना इजी है, बहुत 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 ज्यादा इजी है और एकदम झट से बन जाता है। और वो मैं चिकन बनाने जा रही हूँ। तो विवेक, हमारे व्यूअर्स को दिखाओ, ये मैरिनेशन है जो हमने करके रखा है। इसमें है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, टोमेटो सॉस, हॉट एंड चिली वाला, सरसों का तेल, नमक, हल्दी एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट। और ये प्याज और आलू मैंने काट के रखे हैं बंगाली स्टाइल। एकदम एकदम। तो अभी मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया है। अभी इसमें जीरा और तेज पत्ता डाल के प्याज और आलू में सबसे पहले फ्राई करोगे। प्याज डाला जा रहा है, देवी हाँ, तो क्या डाल दिए? जीरा तेज पत्ता डाल के प्याज डाल दी। अभी हल्का सा कैरमलाइज होगा प्याज, तो हम फिर आलू डाल देंगे और फिर दोनों को एक साथ फ्राई करेंगे। देवी रेसिपी तो बड़ा मजा आ रहा है ना। तो अभी ना जो मैरिनेटेड चिकन था, देखो आलू और प्याज फ्राई हो चुका है। अभी बस जो मैरिनेटेड चिकन है वो हम इसमें वो हम इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा पानी लेके इसमें डाल देंगे। पानी में हमें लेना है, पानी डाल के अभी ये बस चिकन को थोड़ा स्टर करके तो ढक के मीडियम फ्लेम में 15 मिनट तक, ओनली 15 मिनट तक पकाना है। फिर आगे मैं बताऊंगी क्या करना है। अब वो सस्पेंस। यस, बस इसमें लास्ट में हमने डाला थोड़ा सा हरी मिर्च और नींबू, एक अखा नींबू डाला, थोड़ा सा हरी मिर्च डाला और एक लास्ट में मैंने एक टमाटर डाला है सिर्फ, जो अभी क्योंकि एक्स्ट्रा पानी भी है तो वो टमाटर गल भी जाएगा और फिर वो ग्रेवी भी थोड़ी थिक हो जाएगी। तब तक देख सकते हो लाजवाब चिकन, बंगाली चिकन, बंगाली चिकन एंड सो इजी, एकदम फटफट बन जाता है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए इसको पसंद है सूप 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 सूप, ये शॉर्ट है। कोई तो आया मेरे घर पे, फाइनली फाइनली, आरती उतारो मोहित नरूला की, मोहित नरूला की। और अभी बेल बजा है और अभी आ गया रे, आ गया जी। अगर वो तो होगी टक्कू के साथ है वो। ओ अरे तो टक्कू को भी ले जाते हैं। अरे नहीं, मैं तो ऐसे मिलने के लिए आ गया आपसे। ओह माय गॉड, वेलकम निखिल, कम कम कम। तो अभी बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहा है अबाउट कॉन्सेप्ट्स एंड स्टोरीज जो हम आगे शूट करने वाले हैं। एमएक्स वाले जब रेवेन्यू बेसिस में कर रहे हैं ना, वो सिर्फ कंसेप्ट देख रहे हैं, लुक एट द सीरियसिटी ज्यादा जरूरी नहीं। कंसेप्ट को अच्छी एक्टिंग और अच्छा डायरेक्शन चल जाएगा। आई एम इन लव, आई एम इन लव द सीरियस गाय, आई एम इन लव विद द सीरियसनेस, ओनली वन हैंडसम पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम इन लव विद द सीरियसनेस। वो नाफुला नहीं नहीं, पर तेरा नाम फुलन देखा नहीं है यार मोहित। बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा स्टाइलिस्ट है, मतलब बहुत ही उम्दा। इनके डिजाइन देखोगे तो आप पागल हो जाओगे, इतना खतरनाक दिखा रहे हो। और ये बैठे फोन पे इन्वॉल्व्ड, और ऑफ कोर्स ब्लडी सत्य इन द हाउस मैन। गहरा डिस्कशन चल रहा है किसी चीज को लेकर।
एकदम सीरियस वाला डिस्कशन चल रहा है, वो सीरियसनेस में दिखानी चाहती थी बट वो सीरियसनेस अभी एकदम से जोवियल बन गया, मतलब हम लोग सब हंस रहे हो, सो माहौल चेंज हो गया. थैंक यू निखिल. कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी अगली स्टोरी उसको और हायर लेवल पे शूट करें और फिर एमएक्स पे दें तो हाँ फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा. एमएक्स तो चलो खैर अगर नहीं प्रमोट तो हम ही लोगों को करना है राइट. वो चाहे आप हो चाहे जो भी उसमें काम कर रहे हैं एक्टर्स है, वो हो या कोई भी हो, अपनी अपने अपनी टीम है ना जो हम लोग प्रमोट करने वाले. एमएक्स कितना ही प्रमोट करेगा, मैंने कोई खास प्रमोशन एमएक्स की देखी, वो एमएक्स ओरिजिनल को ही जो खुद बनाते हैं जो खुद बनाते हैं वो उसी को प्रमोट करते हैं. ये तो है. सो वो सारा प्रमोशन हम ही लोगों को खुद पे ही करना पड़ेगा. सो उसका मतलब हम एक अगर वो तैयार कर लें क्राइटेरिया कि अगर हम लोकेशन लेते हैं, लोकेशन लेके जैसे आप बात कर रहे हो तो उसके लिए वैसा ही घर चाहिए जो दिखे थोड़ा सा पुराना हवेली गांव का लुक वैसा हो ये सब. सो अगर हम वैसा कुछ प्लान करते हैं वैसा कुछ करते हैं तो हमारा ऑलमोस्ट कितना एक्सपेंसेस होगा, क्या बजट जाएगा इसका. तो देखो ज्यादा खेल कुछ नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कैरेक्टर समझ में आ गया होगा, दो लड़कियां हैं उसके बाद जो बहने हैं, और मैंने ये सोचा था जो बाप होगा वही बेटा होगा तभी खेल होगा. मोहित वो जो गोरेगांव के घर में गए थे ना हम लोग, तेरे को ईरीनेस फील हुई थी ना उस उधर बहुत ज्यादा, तो वो बहुत ही स्पूकी था. मैं स्पूकी हाउ डिड यू फील व्हेन यू वेंट इनसाइड, लाइक व्हाट वाज योर बैड वाइब्रेशंस, वेरी सैड फीलिंग, वेरी स्लो. इट वाज लाइक कि था वहां ऐसा कुछ जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा था. इट वाज वेरी बहुत ही बुरा था. मतलब पॉजिटिविटी जो एक इंसान में होती है दैट वाज बीइंग ड्रेन कर रहा था. हां वो उसको ड्रेन कर रहा था. So you were not feeling happy or anything? No, not at all. वहाँ पार्टी होने के बावजूद I was feeling like कि मैं कहीं चुपचाप बैठ जाऊँ शांति से. But you were enjoying that time. No, like honestly. Because सब खींच रहे थे जबरदस्ती. हाँ वो तो करना ही पड़ेगा. You were happy. Feel ना हो. ना. क्यों? तुमने भी तो देखा ना उधर. अब मैंने जो देखा वो देखा but अभी. तुमको भी तो feel हुआ ना, तुमने भी तो बाद में घर में आके वही बात बोला मुझे. क्योंकि वो जगह ही ऐसी है, काश कि वो जगह मैं आप लोगों को दिखा पाता. एक्चुअली मैं ट्राई करूंगा एक वीडियो पोस्ट करने का उसके घर पे जाके और उस जगह के बारे में. मैं ट्राई करूंगा, मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ. बट इवन यू फेल्ट इट, तभी पता चलेगा ना. बोलने से लगता है कि मैं शायद झूठ बोल रहा हूँ. नहीं ऐसा नहीं. मैं चाहता हूँ कि सबको एक्सपीरियंस कराया जाए इसका, ताकि मैं सही हूँ और मैं झूठ नहीं बोलता. क्यों कल वाला झूला याद नहीं है तुम्हें? अरे कल का झूला तो मतलब जो निखिल के घर से हम आ रहे थे और फिर झूला वो एक दिखा से ऐसे ही चल रहा था और मैं पलट के देखा वापस चल रहा था उसी स्पीड पे. हम लोग भाग गए थे वहां से, याद है तुम्हें? चीजें होती है. सो इट्स नॉट दैट कि ऐसा नहीं है. मोहित तो हीलिंग करता है. सबसे पहले तो तुझे ही फील होती है कि इफ देयर इज एनी नेगेटिविटी और एनी ईरीनेस अराउंड कि क्या है. And you were like, नहीं मुझे घर नहीं जाना, वो घर नहीं जाना वापस. God, so spooky, man. Bloody सत्य कहाँ गया? इसमें तो bloody सत्य की comment भी बहुत जरूरी था. Bloody सत्य कहाँ गया? Bloody सत्य, हाँ bloody सत्य फोन पे. इतना घर खुला होने के बाद सब जगह बालकनी खुली होने के बाद मुझे घुटन महसूस हो रही थी. अब मुझे लग रहा था जैसे पता नहीं कुछ तो नहीं है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ है. ठंड जैसी लग रही थी क्या थोड़ी बहुत? ठंड जैसी भी लग रही थी और उसके बाद कुछ नेगेटिव सी फीलिंग नहीं आती जैसे कि आप पार्टी में आए हो, आप इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में, उसके बाद भी और फीलिंग लाइक कि यार सैड सी फीलिंग आ रही है. एक स्मेल थी उस घर में, उसी स्मेल थी. हाँ और जैसे ही उसके बाद मैं उसका रूम देखने गया ना, जैसे ही मैंने एंटर किया एग्जैक्ट जैसे हॉरर फिल्मों में होता है ना, सेम वही हुआ. पर्दे उड़ने लगे, हवा आई विंडो से, मैं तो भागे तुरंत आना. मैं क्या अपने मुझे ट्रेलर दिखा रही थी. कितने लोग रहते उस घर में? एक अकेला लड़का बस. कैसे क्या सच में लाइक इट्स मैडनिंग. बहुत ज्यादा अभी सो रहे हैं अचानक नींद खुली, देखे बाजू में कोई और सो. Oh, shit!
किसी का मुंह मुंह के सामने आई कांट बिलीव इट यार सीरियसली सो दिस इज द होटल होटल ये जो है वो बंद पड़ा था